हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। एंड ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ तो सीक्रेट शेयर करना है और कुछ कहना है आप लोगों से। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर लव टू माई चैनल, टू मी, एंड फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड फॉर एवरीथिंग यू गाइज हैव बीन गिविंग मी। बिकॉज ऑफ यू, जब आपके कमेंट्स मेरे पापा पढ़ते हैं तो ही स्माइल, एंड दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी दैट यू गाइज गिव मी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बिकॉज ऑफ यू गाइज, यू नो, आई यूज टू फील कि अमान शाह नाम है, इसका क्या होगा इस जिंदगी में। एंड बिकॉज ऑफ यू गाइज आई लव माई नेम। आज अच्छा लगता है मुझे अपना नाम सुन के कि अच्छा, अमान शाह वो मैं हूँ, ओके। सो आई फील रियली गुड एंड आई वॉन्ट टू से थैंक्स फॉर दैट। ओके, तो या काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ आप लोगों से बात नहीं करा, मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मैंने सोचा यार आज तो बात ही करेंगे और क्या। तो ये वीडियो मुझे बनानी थी। एंड गाइज, जब मैंने लाइक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तो ना तो मैं ये सोचता रहता था मैं कनेक्ट कर सकता हूँ आपकी इस चीज़ से कि लाइक ऑफकोर्स आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो गाते हैं, जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या कुछ इस तरह से हैं, करते हैं चीज़ें, तो उनके लिए मेरे पास कुछ कंटेंट है आज जो शायद आप लोगों के काम आए। तो अगर कुछ भी काम आ पाए तो लाइक दैट विल बी लाइक आप लोगों को लाइक कैसे, मैं सबको थैंक्स नहीं बोल पाता लेकिन मैं कुछ करना चाह रहा था आप लोगों के लिए, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आई होप किसी भी तरह से आप लोगों के काम आए ये वीडियो एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग। ओके, तो लाइक आई हैव दिस रिकॉर्डर राइट नाउ, ये वाला रिकॉर्डर, एंड आई हैव दिस ऑल्सो, दिस इज अनदर रिकॉर्डर। तो इन दोनों ने मुझे काफ़ी हेल्प करा है इम्प्रूव करने में मेरी पब्लिक स्पीकिंग और मेरा जो लाइक वॉइस टेक्सचर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इससे। तो आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार वॉइस कैसे इम्प्रूव करें अमान, और कैसे हम लोग लाइक हार्ट बीट बेटर कैसे बजाएं, और लाइक गिटार बेटर कैसे बजाएं। तो गाइज मैं बताता हूँ मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग भी वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना होन कर सकते हो स्किल्स को। मैं क्या करता हूँ गाइज कि अपने जो भी मैं प्ले करता हूँ, जैसा भी मैं प्ले कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ मैं उसे सुनता हूँ। लाइक करेंटली जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं उसे सुन रहा हूँ इसके थ्रू, अभी हेडफोन्स में फिट है तो मैं अपनी आवाज़ सुन पा रहा हूँ जो भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। जो भी आप लोग हेडफोन्स में सुन रहे हो मुझे आवाज़ वो सेम वैसी आ रही है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दिस इज कि यू इन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग, राइट, आपको मज़ा आता है लाइक अपनी आवाज़ सुनने में, एक फील आता है बड़ा अच्छा सा। और उसकी वजह से एक और चीज़ होता है, जैसे डांसर जो होते हैं ना वो अगर मिरर में देख के डांस करते हैं तो यू लाइक दे इन्जॉय मोर, राइट, दे फील लाइक के अरे वी आर डूइंग रियली ग्रेट। तो या बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि डांसर उसको रोज कर करके इतना परफेक्ट कर लेता है कि वो विदाउट मिरर भी उसको वैसा कर पाता है जैसा वो मिरर के सामने कर रहा होता है। तो ये कुछ जो रिकॉर्डर्स हैं तो ये क्या कर रहे हैं मेरे लिए कि मुझे मिरर की तरह मेरे लिए काम कर रहे हैं, एंड आई एम लिसनिंग टू माई वॉइस। एंड जब मैं गाता हूँ तो मैं अपनी वॉइस सुन रहा होता हूँ, तो ये ना वही करते हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव कर देते हैं वॉइस को, और जिस तरह भी ओवरऑल इमोशन आ रहा होता है हर चीज़ को बहुत प्यारा कर देता है। एंड आई नो लाइक हाउ इज़ इट साउंडिंग टू यू गाइज, सो यू गाइज कैन ऑल्सो यूज इट, यू गाइज कैन ऑल्सो यूज इट। तो मैं ये एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से, तो ये एक चीज़ था जो आप लोगों के काम आएगा। एंड इसके अलावा मैं ये एक और रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो वन रिकॉर्डर, तो ये भी बड़ी काम की चीज़ है। मैं जब आप लोगों को आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही होगी, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही करूँ, या हाँ अभी ठीक है, अभी गिरेगा नहीं, या ठीक है अभी। तो ये वो रिकॉर्डर है जो आप लोगों ने मेरे पास काफ़ी पहले टाइम से देखा होगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने लाइक जब मैं करीब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब मैंने ये लिया था, और ये अभी तक मेरे साथ है, और आप लोग भी मेरे साथ हो लाइक जैसे मेरी पुरानी चीज़ें सब मेरे साथ है, और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं कभी पुरानी चीज़ों को नहीं भूलता। तो लाइक आई रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज कमेंट्स जो आप लोग मुझे देते थे, एंड आई रियली वैल्यू दैट अलॉट, लाइक आप लोग समझ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट।
एट दैट टाइम आई नीडेड दैट सो मच कि अगर उस वक्त आप लोग वो सपोर्ट ना दिखाते तो मैं नहीं होता यहाँ पे, कभी नहीं होता. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. सो या तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे. सो गाइस जैसे एक गाना है हमारा दसपसीतो, तो दसपसीतो आप लोगों को पता है उसके अंदर कितने फास्ट फास्ट वर्ड आते हैं. तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे याद करा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ. उसके लिए ये चीज़ थोड़ी काम की है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, अपने काम आ जाएगा. मतलब उस तरीके से थोड़ा अच्छी चीज़ है, गाने को स्लो कर देता है. कोई भी डिफिकल्ट गाना है तो उसको स्लो करो और फिर स्लो करके सुनो, स्लो करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और फिर उसे परफॉर्म कर दो. तो मतलब मेरी ट्रिक यही है, मैं ऐसे करता हूँ. तो किसी कोई थोड़ा इरिटेट हो रहा हो, परेशान हो रहा हो गाना प्रिपेयर करते हुए, तो व्हाट यू कैन डू इज़ अगर आप रिकॉर्डर नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो गाने को स्लो कर दो. ठीक है, गाने को स्लो कर दो और किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के, और उससे क्या होगा कि आप लोग जल्दी याद कर पाओगे. या फिर ये भी ऐसी चीज़ है जो कर देता है उस काम को. ठीक है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो. तो ये मुझे चीज़ें शेयर करनी थी. एंड और क्या आप लोगों को बताऊँ, हार्ट बीट में भी, या हार्ट बीट में भी एक चीज़ है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं हार्ट बीट नई हार्ट बीट कैसे निकालता हूँ. मैं ना ऐसे ही सुनता रहता हूँ खुद को, एंड मैं अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ ऐसे कि यार हाँ अगर मैं ऐसे तो एक्सपेरिमेंट. अब मैं खुद को सुन रहा हूँ राइट नाउ, राइट. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुझे पता लग रहा है कि यार ओके फाइन, ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है. तो दिस इज़ हाउ आई टेक आउट न्यू हार्ट बीट, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. पता है गाइस, कुछ ना लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक कि हमें ये बीट बजानी है, ट्राई टू फाइंड अ न्यू बीट. बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा. एंड जैसी भी बजे इट्स ओके, धीरे धीरे करके वो अच्छी हो जाती है. तो ये एक चीज़ है जो आप लोग कर सकते हो बड़ी कमाल की. ठीक है, और या दिस इज़ हाउ आई एम लाइक आई इम्प्रूव माई सेल्फ. लाइक आई लिसन टू माई वॉइस एंड आई लिसन टू माई हार्ट बीट स्टाइल, आई लिसन टू माई आक पैड एंड ऐसे मिररिंग वाला कि अभी करेंटली एग्जैक्टली उसी टाइमिंग में मैं सुन रहा हूँ चीज़ें. तो या तो दिस इज़ हाउ आई डू थैंक्स. एंड मेनली वीडियो आप लोगों को थैंक्स के लिए था कि आप लोगों ने लाइक हमेशा इतना प्यार दिया. तो थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर. एंड इसके अलावा गाइज आप लोगों से एक बात और शेयर करना था, एक पर्सनल बात था कि मैं अपने चैनल पे अपनी कॉम्पोजिशंस अपलोड करना चाहता हूँ. वो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने चैनल को ऐसा बनाऊँगा कि मैं अपनी कॉम्पोजिशंस अपलोड करा करूँगा. जैसे मैंने आसिफा वाला गाना अपलोड करा था, इस तरह की कुछ टॉपिक्स पे, ब्यूटीफुल से टॉपिक्स पे मैं अपने गाने बनाऊँ. सो दैट्स वेयर आई एम फोकसिंग राइट नाउ. दैट्स वाई मैं कवर अपलोड नहीं करता उतना ज़्यादा. अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ओन कॉम्पोजिशंस आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँ जो आप लोग गाओ एंड आप लोग मुझे सुना. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. सो आई होप इट हैपेंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर करना. एंड आई होप लाइक हम लोग और बड़ी फैमिली बना पाएं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह. एंड हम सब कनेक्टेड रह पाएं हमेशा ऐसे ही. एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लाइफ ब्यूटिफुल. एंड आई होप आई कुड लाइक डू समथिंग फॉर यू ऑल. एंड मैं ऐसे ही, पता है, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी सारी ऐसे बीच बीच में मैं वीडियोज बनाऊँगा जिसमें लाइक मैं आप लोगों से आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी जर्नी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ क्या कंटेंट बना रहा हूँ. एंड आपको मैं अपने बैंड से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, मेरा बैंड भी है. एंड सब लोगों से लाइक बहुत जल्दी मैं आप लोगों को मिलाऊँगा. सो आई विल डू दैट. एंड अपना ख्याल रखो एंड बाय बाय. एंड हाँ, अगर इसका लिंक का आपको इसका लिंक चाहिए जो भी मैं यूज़ करता हूँ, मैं इस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाना और यू गाइस कैन बाय दैट. एंड अपना ख्याल रखो. एंड उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगेगी तो जो चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे ठीक लगेगी आप लोगों को के लिए मुझे, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डालता रहा करूँगा, तो आप लोग देख लेना. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस फीलिंग टू यू ऑल. तो दिस इज़ माई फीलिंग्स. सो आई होप यू कैन रिलेट विद दिस. एंड हैव यू गो, दिस इज़ हाउ आई फील फॉर यू ऑल. तू जो रूठा तो कौन हसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, चुप है तो ये डर लगता है, अब
बना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार।